Everything I do for you. Everything I say for you. All I wanna do is please you. Allah, Allah, I pray, I call to you. It'll be, you're my all, you're my everything. हिबा बेसिकली जो है ना जनाब, यार ये एक अरेबियन हॉर्स का नेम है, बहुत ही प्यारा नेम है, मेल नेम है अरब में हिबा। हिबा का मतलब होता है गिफ्ट ऑफ गॉड। तो मेरे लिए ये बाइक तो इट्स नो लेस देन गिफ्ट ऑफ गॉड। आपको पहले जरा मैं इसका सारा ये वॉक अराउंड दिखाऊं। 3 टोटल बॉक्सेस हैं, टोटली वाटर प्रूफ या हाई लेवल ऑफ वाटर रेजिस्टेंस के, मतलब आप कपड़े भी अंदर रख दो तो पानी नहीं आता। हमने इसको पंचपीर रॉक्स के ऊपर टेस्ट किया था, एक व्लॉग इसके बाद इंशाल्लाह आएगा पंचपीर रॉक्स का। तो रात को हमने कैंपिंग की थी, बारिश हो गई थी, हमने अपना इसके अंदर कैमरा इक्विपमेंट सामान रखा था, कोई अंदर पानी नहीं आया इसके, इतना अच्छा है। साइड वाले जो होते हैं इनको कहते हैं पैनियर बॉक्सेस, पिछला वाला जो है ये टेल बॉक्स है। बेनेली कंपनी है, बेनेली इटालियन ब्रांड है, मेड इन चाइना, और पाकिस्तान में अंदाजन को ये 3-1 सालों से ये बाइक आ रही है। 3-4 साल मेरा ख्याल हो गए हैं जो ऑफिशियली लाहौर में इसके डीलर हैं, और इस्लामाबाद में भी हैं, बाकी सिटीज़ के अंदर भी हैं। और देखें इस तरह ये बाकी मॉडिफाइड गाड़ियाँ भी यहाँ पे अक्सर आती हैं। ये इनकी मेरे ख्याल ड्रैग रेस होने लगी है शायद। आप लोग ड्रैग रेस कर रहे हैं या कोई फोटो शूट वगैरह कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, मैंने कहा ये मेन रोड छोड़ के इधर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ब्रो? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे? अस्सलाम वालेकुम, देखा हुआ? अच्छा, हसाम के नाम से है, हसाम अहमद अवान। हाँ, पहचान गया। अब मॉडिफिकेशन अब स्टार्ट हो जाएंगे इसके बाद, ठीक है। मॉडिफिकेशन के अंदर इसके टायर चेंज करने हैं, मैंने कराची से टायर इसके मंगवाए हुए हैं। इसके हम शायद एग्जॉस्ट भी चेंज कर लें प्रॉबली, लेकिन मैं इसके फ़िलहाल इतना मेरे माइंड में नहीं है। क्रैश गार्ड हमने इसका लगवाना है। क्रैश गार्ड में ये होगा कि यहाँ पे इसका क्रैश गार्ड आएगा पूरा, अगर ये बाइक गिरती है ना तो खुदा ना खास्ता, क्योंकि एडवेंचर में तो आपको पता ही चीज़ें होती रहती हैं, बाइक्स गिरती रहती हैं। इसके अंदर ना दो मॉडल्स आते हैं, बेनेली TRK 251 और बेनेली TRK 502X, मतलब 502 और 251 बेसिकली आते हैं। 502 में दो वेरिएंट्स हैं, लेकिन मेनली CC का अगर हिसाब लगाएं तो 250 CC और 500 CC के टूरिंग बाइक आते हैं बेनेली के। फिर बाकी जो है ना रोड बाइक्स हैं वैसे डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन टूरिंग कैटेगरी के अंदर दो बाइक्स आते हैं। अब ये वाला जो है, ये 250 CC वाला जो मॉडल है, ये इस वक्त अंदाजन जब मैंने बुक कराई थी उस वक्त तो ये 12 लाख के आसपास था, लेकिन अब ये डॉलर जो स्पाइक किया है, अब ये कह रहे हैं कि अब वैसे तो बुकिंग बंद है, ऑब्वियसली बात है आ ही नहीं रहे, लेकिन ये 14-15 प्लस होगा अब जब ये डॉलर दोबारा शूट किया है। तो आप कह रहे हैं कि 14 समथिंग का अगर ये है तो इसका जो बड़ा वाला भाई है 500 CC वाला, वो इसका जो है ना आप कह लें डबल है, ठीक है जी, 22-23-24 इस रेंज में है वो। अब जो दोबारा इंपोर्ट खोलेगी तो पता चलेगा। एक तो ये चीज़ होगी, दूसरा यार ये है कि अब ये जो छोटा वेरिएंट है इसके अंदर क्या चीज़ छोटी है, इसके अंदर ऑलमोस्ट पूरा फ्रेम ही इसका छोटा है, इसके बॉक्सेस छोटे हैं, इसके इसका हाइट कम है, इसका टैंक थोड़ा सा शायद छोटा है, प्रॉबली एक दो लीटर का शायद फ़र्क है, लेकिन एज अ होल वो इससे ज़्यादा मैसिव है, उसकी सैडल हाइट ज़्यादा है, मतलब जब आप बैठते हो तो आपकी टांगें जो है ना वो नीचे, मैं अभी 5'10" का हूँ और मेरी टांगें इसमें नीचे थोड़ी लगती हैं, उसमें नहीं लगती, ठीक है। आप देख सकते हैं अब मेरे फुल पाँव जो है ना, मैं बैठ गया हूँ ना इसके ऊपर तो पूरे पाँव मेरे लग रहे हैं सुकून से हॉरिजॉन्टल, लेकिन उस 502 में नहीं लगते। तो ये एक मेन डिफरेंस है इन दो वेरिएंट्स के अंदर। अच्छा, अब अगली चीज़ पे आते हैं फ्रंट से। इसके अंदर जो टायर्स है ना, ये काफ़ी चौड़े टायर है, जो मेरा पिछली बाइक थी, तो मेरे पास जो पिछली सुजुकी की जो JS 150 थी उसमें आप लोगों को याद होगा मैंने अपने टायर बड़े लगवाए थे, तो बड़ा टायर उसका जो पिछला वाला मैंने लगवाया था वो 110 विड्थ का था। इसका फ्रंट 110 का डिफ़ॉल्ट में आता है, ठीक है, देखिए कितना चौड़ा टायर है इसका। और मैं इंशाल्लाह जो मॉडिफाई करवा रहा हूँ, जो मैंने टायर कराची से मंगवाए हैं वो इससे भी चौड़े हैं। ये बेसिकली रोड टायर्स हैं तो ये ऑफ रोडिंग के लिए बिल्कुल फेल होते हैं, थोड़ा सा कीचड़ हो जाए ये बाइक बिल्कुल फेल हो जाती, क्योंकि ये टायर्स ही ऑन रोड टायर्स हैं, ठीक है, मतलब रोड पर सिर्फ चलाने के लिए हैं, पेवमेंट्स पर चलाने के लिए हैं, मड में और इन जगहों पर नहीं है, तो इसलिए इसका पर्पज़ ही। जो इसका दूसरा वाला वेरियंट आता है 502X, उसके अंदर
जो है ना वो डुअल स्पोर्ट्स टायर्स आते हैं, मतलब कि डुअल स्पोर्ट्स मींस के ऑफ रोडिंग भी उस पर आप कर सकते हो, ऑन रोडिंग भी आप कर सकते हो। तो ये जो छोटा वाला वेरिएंट है ये उस तरह प्रॉपर एडवेंचर टूरर कैटेगरी में नहीं आता, ये आप कह लें कि ये बीच की चीज़ है, आपने रोड के ऊपर भी मतलब ये प्राइमेरली अगर आप इसका टायर बदल दोगे फिर ही आप इसको सॉर्ट ऑफ एडवेंचर कैटेगरी में लेके आ सकते हो किसी हद तक, वो भी मैं बताता हूँ कि वो भी किसी हद तक, ठीक है ना। इसका शॉक्स जो है इन्वर्टेड शॉक्स होते हैं, बड़े कंफर्टेबल शॉक्स हैं, मतलब इसका जो है ना ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा है। तो मेजर डिफरेंस फील हुआ है ना अपनी पिछली बाइक JS 150 से इसके ऊपर, वो इसके सॉफ्टनेस ऑफ द शॉक्स हैं, बहुत सॉफ्ट शॉक्स हैं, कंफर्टेबल राइड है इसकी। एक तो इसकी जो पोस्चर है सेटिंग पोस्चर वही कंफर्टेबल है, ऑब्वियसली बात है हैंडल इसका ऊंचा है, आप सीट कंफर्टेबल है, तो मुझे जो प्राइमरी मेजर डिफरेंस वो फील हुआ है। दूसरा मुझे ये फील हुआ है कि स्टेबल बहुत है आप, मतलब कि जब स्पीड कहीं पे अगर ट्रैफिक में हो ना, और अगर ट्रैफिक में हो के आप कह लें कि सिग्नल बंद हुआ है, अगर बिल्कुल पहले गियर पे रींग रहा हूँ तो फिर भी आपको पाउंड इसे नहीं लगाना पड़ता, इसकी सबसे बड़ी बात यह है, बहुत ही इंतहाई स्टेबल इसमें कोई फिनोमेना है जो कि बाइक अपने आप को खुद ही सॉर्ट ऑफ शायद स्टेबल रखती है। दूसरा इसकी ये है ना दो पॉइंट्स की आगे देखें लाइट्स हैं, एक के अंदर इसकी नॉर्मल बीम होती है, दूसरी में हाई बीम होती है, ठीक है। और ये इसकी डे लाइट रनिंग लाइट्स होती हैं, ये इसका वाइजर होगा जो कि आपको मतलब विंड के प्रेशर से बचाता है, और ये सिर्फ गिमिक नहीं है, ये बहुत फर्क पड़ता है इससे, बहुत फर्क देता है। और इसकी मैक्सिमम टॉप स्पीड मैंने अभी तक तो सिर्फ मैं 130 तक ही गया हूँ, मैंने इससे ज़्यादा टच नहीं की है सामान, तो इसी बात है मैं ज़्यादा स्पीड मारने वाला बंदा नहीं हूँ, लेकिन ये है कि सिर्फ टेस्ट करने के लिए इस्लामाबाद हाईवे पे, वैसे ये यूट्यूब पे इसकी वीडियोज़ हैं 140 भी जाती है, मतलब ये सिर्फ फोर्थ गियर के अंदर इसने 100 ऐसे आराम से क्रॉस करती है, तो उसने टॉर्क वगैरह हॉर्स पावर इसकी अच्छी है। दोनों साइड पर इसके देखें ये ठीक है जी, फेयरिंग हो गए और इस पर लिखा हुआ जी TRK बनैली लिखा हुआ है, ठीक हो गया। फ्रंट बैक में दोनों में इसके देखें डायमंड शेप की डिस्क हैं, इस अब पिछले वाले बाइक में ये बिल्कुल सर्कुलर थी, इसके अंदर देखें डायमंड साइज़ की है ना, तो जब आप ब्रेक लगाते हो ना तो ये हीट अप, क्योंकि सर्विस एरिया ज़्यादा है तो हीट नहीं होती। दूसरा देखें ABS है। मज़े की बात यह है कि पहले आपको मैं बताऊँ कि ये बाइक मैंने यूज्ड में ली है, यूज्ड में इसलिए लिया है क्योंकि मैंने जब अपनी बुक कराई हुई थी 4 महीने हो गए थे मेरी बुक हुई हुई, बाइक वापस मतलब नहीं डिलीवर हो रही थी, पता चला आखिर में JLC बंद हैं, मुझे वो कहते रहे शोरूम वाले कि अभी आएगी अगले महीने आएगी अगले महीने आएगी, होते होते कंफर्म हो गया कि भाई आनी तो कोई है नहीं, तो फिर मैंने कहा यार मुझे वो पैसे एडजस्ट कर दो, मैं ये मार्केट से उठा रहा हूँ। फिर उनके पास ही एक बेहतर पीस पड़ा हुआ था, मैंने वहाँ से ये एडजस्ट करा के ले ली। इसके अगर आप यहाँ पर आएंगे ना तो ये देखें इसकी हाई बीम लो बीम है, ये इसका डिपर है, इधर से ये देखें ये डिपर है इसका, और ये इंडिकेटर्स आ गए, ये हॉर्न इसका काफ़ी अच्छा है, ओनर ने ही लगाया हुआ था, तो मतलब ये आपको जब आप हाई स्पीड पर जा रहे हो या लॉन्ग टूर्स पर जा रहे हो ना तो आपको ऐसे अगर घुमाने की हर वक्त जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे हल्का सा हाथ रखो तो रेस दिया रखता है, तो आपको मतलब इसको वैसे कहते हैं जो है ना वो क्रूज़ कहते हैं, लेकिन बाइक में क्या उसमें ऑटोमेटिक क्रूज तो नहीं है, लेकिन ये आसानी होती है वैसे हाथ ऐसे आप अपने इस तरह पाम से ही एक्सेलरेशन कर सकते हो। ये उसके बाद इसके अंदर साइड पर क्रैश गार्ड नहीं आते, ये आप देख सकते हैं इसी पिछले ओनर ने पहले से एक क्रैश गार्ड लगाया है रेड कलर का, इसके अपने साथ नहीं आता, ये आफ्टर मार्केट है। 250 cc का इसका इंजन आ गया, गियर इसके 6 गियर्स हैं, इस तरह अगर आपने पाउंड डाला है ना तो नीचे करने से अगला लगता है और बाकी फिर ऊपर ऊपर करने से बाकी 6 पिछले लगते हैं। फर्स्ट अगर आपने गियर लगाना है ना तो आपको ऐसे करके नीचे प्रेस करना है, उसके बाद बाकी अगर आपने बाकी गियर लगाना है तो ऐसे कर नीचे से पाउंड डाल के इस तरह से ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे ना, ये 2 3 4 5 इस तरह के राइडिंग बूट्स के अंदर जो है ना इस साइड पे इन्होंने ये चीज़ दी होती है ताकि गियर ऊपर की तरफ लगता है, इसलिए ताकि शूज़ ख़राब ना हो। फिर उसके बाद इसका जो टैंक है जो फ्यूल टैंक है, मेरे पिछले वाले बाइक में JS 150 के अंदर था मेरे ख्याल 12 लीटर्स का इस तरह था, 12 लीटर्स का था गालबन, इसका 18 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, तो ये लॉन्ग मतलब ये 500-600 किलोमीटर तक ये आराम से जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह राइड करते हो, ठीक है जी। उसके बाद राइडिंग पोस्चर बड़े मज़े का है, और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये हैंडल बार जो है ना इसकी ये काफ़ी लंबी है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पहले मेरा हैंडल बार यहाँ आती थी तो मेरे यहाँ पे ना पाम में दर्द शुरू हो जाती थी, तो ये मैं सुकून से पूरे हाथ से इस तरह पकड़ सकता हूँ, वो पिछला वाला मेरा इस तरह आता था, तो ये जो जब इस तरह आता था ना तो उसमें जो ये जो एंड होता है ना हैंडल का ये फिर मेरे ना दर्द होती थी लगता था यहाँ पर, अब ये पूरा हैंडल बार बड़ी है इसकी। और अगर साइड व्यू मिरर्स की बात करूँ तो बहुत स्टेबल साइड व्यू मिरर्स हैं और विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि हल्का सा मैं इसको बाहर रखता हूँ ये पैनियर बॉक्सेस से बाहर रखता हूँ तो वो मुझे प्रॉपर सही क्लियर नज़र आता है, बहुत स्टेबल है, ये नहीं है कि जी वाइब्रेट करते रहें। ये अब आप देख सकते हैं जी 251 बनैली 251 यहाँ पे मैंशनड है, पूरे इसके ये जो रैक्स का सिस्टम इसमें बिल्ट इन आता है। वैसे तो ये बायर्स की कंट्री में अगर आप ऑर्डर करते हो ना तो मेरे ख्याल है डेढ़ एक लाख का ये सिस्टम अलग से आप ऑप्ट कर सकते हो, और इवन आप ऑप्ट आउट भी कर सकते हो, भाई मुझे ये डब्बे नहीं चाहिए मैं मार्केट से कोई सैडल बैग्स लगवा लूँगा, सॉफ्ट बॉक्सेस का सिस्टम लगा लूँगा, ये हार्ड बॉक्सेस का सिस्टम मुझे नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में नॉर्मली इसी तरह आते हैं। तो ये इनको अगर मैं खोल के आपको दिखाऊँ, अच्छा ये देखें इसके ऊपर भी प्रॉपर बनैली की ब्रांडिंग हुई हुई है, ठीक हो गया। और
इसके अंदर अब आप सोच रहे हो सामने ये किस तरह, ये आप आराम से ये अलग कर सकते हो। पहली बात तो ये है कि देखें, पहले आपको मैं इसको लॉक करके दिखाऊं, ये देखें ये, चलो मैं दूसरा खोल के दिखा दूंगा, पहले ये देख रहे हैं ये इस तरह है, ठीक है। और ये इसके अंदर जितनी इसके कॉर्नर्स हैं ये आराम से आपने अगर धोने हो तो ये स्टिकिंग होती है, आराम से खोल के अलग हो जाते हैं। दूसरा, वाटर प्रूफिंग किस तरह होती है, तो ये देखें इसमें सारे कॉर्नर्स के अंदर रबर है और प्रॉपर ये रबर बैठ जाती हैं, ठीक है, हर तरफ इसके रबर्स हैं। जब ऊपर से ऐसे कर बंद होता है ना ये, तो ये प्रॉपर इसको सील कर देता है। अब ये एक के अंदर मैंने बाइक का सामान रखा होता है, दूसरे में मैंने इसी तरह, अच्छा ये जो पूरा मेरा एक हेलमेट है ना, ये पूरा हेलमेट इसके अंदर आ जाता है जो पिछले वाले टेल बॉक्स में। अच्छा मज़े की बात ये कि ये जो दो साइड वाले हैं ना, इनकी चाबियाँ अलग हैं, एक चाबी से दो साइड वाले खोलते हैं और पिछले वाले की चाबी अलग है, ये जो बड़े वाले की चाबी अलग है। 153 मतलब कि जो बड़ा नंबर है ना, इसे ये छोटे वाले खोलते हैं, 153 से मैंने इस तरह याद रखा हुआ है। और जिस पे लिखा हुआ है 137 तो इससे ये बड़ा वाला खुलता है, अपोजिट हिसाब है, तो ये बड़ा वाला जो है ना इससे खुलेगा। ये देखें ये चाबी इंसर्ट की, ये घुमाया एक दफ़ा, घुमा दिया, इसके ये नीचे बटन है, ठीक है, ये बटन दबाया ना, देखें ये साइड से ये चीज़ ऊपर होती है, ऊपर हुई फिर आपने इसको ऐसे करके खींच दिया, ठीक, खींचा। ये इसके अंदर इसका टूल बॉक्स पड़ा हुआ है, टूल बॉक्स के अंदर इसकी बेसिक सारे आइटम्स जो ये सारे इसके टूल बॉक्स में, तो हम लोग बंद कर देते हैं। इन्होंने स्ट्रैप भी दिया हुआ इसमें, अगर आपने, अच्छा ये बड़े सॉलिड हैं, ये इसकी क्वालिटी बहुत हाई क्वालिटी है। ये ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ना हुक्स, ये देखें 1 2 3 और ये 4, ये आप इसके ऊपर ऐसे करके स्ट्रैप यहाँ पर मिलते हैं अली एक्सप्रेस पे, आप वो स्ट्रैप लगा के अभी चारों तरफ से स्ट्रैप इसके मिल जाते हैं और फिर इस तरह करके आप हैंडल बार से इसको ऐसे करके उठा सकते हो, यहाँ से ऐसे स्ट्रैप्स लग जाते हैं और फिर सेंटर में इसके उठाने के लिए, तो क्योंकि ये इतने हैवी हो जाते हैं सामान रख के कि आप इनको फिर इसे नॉर्मली किस तरह उठाओगे। अगर पिछले टायर की बात कर लें तो पिछला टायर इसका काफ़ी चौड़ा है, 150 का टायर है इसका, ये भी रोड टायर ऑब्वियस सी बात है, फ्रंट भी रोड है, ये भी रोड टायर है। और अब जो इंशाल्लाह आपका भाई ने कराची से नए टायर मंगवाए हैं ना, वो अभी आप मैं रिवील नहीं कर रहा, वो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखना क्या लेवल की लोग, उसका सिर्फ एक डाउन साइड है, ग्रिप तो बहुत ज़्यादा लेवल की हो जाएगी क्योंकि वो ड्यूल स्पोर्ट टायर्स हैं प्लस इससे ज़्यादा चौड़े हैं। और दूसरा ये है कि लेकिन इसमें जो ये है ना मड गार्ड, ये फिट नहीं होगा, हमें ये मड गार्ड हटाना पड़ेगा, फिर इसके पीछे से बहुत ही लेवल की लुक आ जाएगी, लेकिन मड गार्ड हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है सारी खुशियाँ हर प्रैक्टिकलिटी एक साथ नहीं हो सकती। टायर चौड़ा होता है ना आपको वो कॉन्फिडेंस देता है रोड के ऊपर कि आप सोच भी नहीं सकते, आपका राइडिंग प्लेयर बहुत एनहांस हो जाता है। तो ये इसमें 150 पिछला है, अगला 110 है। आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो मेरी मॉडिफिकेशंस वाली वीडियो आएंगी उसमें आप देखना आपके भाई ने क्या टायर साइज डाला है इंशाल्लाह। इसी तरह ये इसकी जिस तरह गाड़ियों में होता है ना ये नंबर प्लेट की लाइट, इसमें देखें नंबर प्लेट की लाइट भी है, ये रिफ्लेक्टर आ गया, ये भी इसकी रेड लाइट आ गई, ठीक हो गया। नीचे से देखें आप कितना सॉलिड इसका ये स्टैंड है, कितना मोटी, तो इसमें ये नहीं है कि यार ये जो बॉक्सेस हैं ये गिर जाएंगे या ये बॉक्सेस कोई नाजुक हैं, ये इंतहाई स्ट्रॉन्ग सिस्टम है इसका। आप इसको मतलब ऑफ रोडिंग के अंदर भी आपको ये फील नहीं होता कि यार ये कहीं आवाज़ें कर रहे हैं, बिल्कुल ये बाइक का ना पार्ट बन जाते हैं, इसकी मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद है। इसी आइए मैंने 1000 किलोमीटर इसको चला लिया ऑलमोस्ट, आप 1000 के अंदर मैंने कहा मैं एक दफ़ा चलाऊंगा फिर मैं आपको फाइनली इसका फीडबैक दूंगा, प्लस हम लोग उम्रे पर चले गए तो उससे पहले मैं शौक किया मैं काफ़ी मैंने राइड्स कर भी ली। तो पहली तो आप अगर साइड पोस्चर इसका देखें आपको लगेगा कि मैं किसी घोड़े के ऊपर बैठा हूँ, ये बाइक आपको अपने अंदर ले लेती है, इसका राइडिंग पोजिशन इस तरह की है, तो जिस तरह टैंक इसका ऊँचा है, पिछली सीट भी ऊँची, तो आपको लगता है बाइक के अंदर ऐसे करके बैठा हूं कि ये पीछे से तो अच्छी खासी चौड़ी है तो आपको वो थकन नहीं होती, ठीक है, चौड़ी है और ऊपर से साइड देखें किस तरह की टांगों के लिए प्रॉपर शेप दी हुई है, कटी हुई है आगे से तो ऐसे करके पतली, ये देखें ये जगह पतली और ये चौड़ी, और वही सेम चीज़ कॉम्प्लीमेंट करती है ये इसकी शेप से, क्योंकि जब आप बैठते हो ना तो आपकी टांगें बिल्कुल इसके साथ ना लग जाती हैं, तो ये नहीं कि आपको हर वक्त अपनी टांगें ऐसे करके बाहर कर रखनी पड़े, बिल्कुल ऐसे करके टैंक के साथ लग जाती हैं इधर, तो ये आपको प्रॉपर ये शेप जो है ना ये देखने यहाँ से लेके इसका कट से लेके यहाँ तक। फिर इसी तरह ये पिछले वाले पिछले बंदे के बैठने के लिए एक तो यहाँ पे टेक बड़ी अच्छी लग जाती है इसके साथ, ठीक है, मतलब ये अच्छी इसमें स्ट्रेंथ है, आप आराम से पिछला बंदा यहाँ पर बैठ के टेक लगा सकता है। फिर ये इसके ये पाँव रखने के लिए पिछले बंदे के लिए काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी चौड़े हैं इसके ये पैक्स हैं, तो आप काफ़ी कंफर्टेबल होते हो। ब्रेक्स आप देखें तो ब्रेक्स भी एडजस्टेबल है, ब्रेक का लीवर ही एडजस्टेबल है इसका, ठीक है। और ये आप देखें इसके अंदर जो है ना ये दाने दाने से इस तरह करके इन्होंने नोके निकली हुई है, ये बहुत अच्छी ग्रिप देता है आपको, कहीं पर आप कीचड़ में हो कहीं पर हो ना इस तरह की जगहों पर ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो ऐसी जगहों पर अक्सर ही होता है कि आप के पास ना ग्रिप नहीं होती, आपके पाँव स्लिप हो रहे होते हैं, तो ये आपके जो राइडिंग बूट्स होते हैं तो उसकी अपनी ग्रिप काफ़ी होती है, राइडिंग बूट्स की अपनी काफ़ी ग्रिप होती है, ऊपर से इसके अंदर उन्होंने ये नोकीले दिए होते हैं तो काफ़ी अच्छी इसकी ग्रिप हो जाए। सिंगल सिलेंडर बाइक है और 250 cc है, लेकिन सिंगल सिलेंडर के हिसाब से इसका जो एग्जॉस्ट नोड है मतलब आवाज़ जो है ना एग्जॉस्ट की काफ़ी इंप्रेसिव है साइड से, मतलब आप देखें ना कितनी प्यारी कॉम्पैक्ट सी इसकी लुक है, मतलब मुझे बहुत ही खूबसूरत लुक है यार इसकी, सुभान अल्लाह। चेक कर
टाइम आ रहा है, ये इसकी टोटल माइलेज होगी 10,000, इसी तरह ये RPM, यहाँ पे गियर्स आ जाते हैं। मीटर चेंज करने के लिए, मीटर के मोड चेंज करने के लिए उन्होंने ये सेट का बटन दिया हुआ है। ये जो रेड रेड सा शेड है, ये स्टिकर आते हैं अलग से, इसके साथ मिलते हैं, ये इसके साथ पहले से लगे नहीं आते, जो पिछले ओनर थे उन्होंने ये पहले से ये स्टिकर लगा के। दूसरा ये है कि इसकी रोड प्रेजेंस की अगर मैं बात करूँ ना, तो रोड प्रेजेंस इसकी काफ़ी अच्छी है, मतलब मैं हैरान हूँ कहीं सिग्नल से। हालांकि हैवी बाइक नहीं है, मतलब 250 cc की बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक में है नहीं, आवाज़ इसकी कोई बहुत ज़्यादा उस तरह तो है नहीं स्पोर्ट्स बाइक की तरह, एक टूरिंग बाइक है और टूरिंग बाइक के अंदर भी सॉर्ट ऑफ कह लें एंट्री लेवल की टूरिंग बाइक है। उसके बावजूद आप कोई सामान इस पर ना भी लगाया हो, एक होता ना जब सामान शामान डाला होता तो वैसे ही चीज़ बड़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही होती है, विदाउट सामान इसकी मतलब माशाल्लाह लुक इतनी ज़्यादा आई कैचिंग है ना कि लोग पूछते हैं रोड पे खड़े होकर कि भाई ये आपने कितने की ली है। कल परसों मुझे भाई तो दो मुझे मिले F7 मार्केट में, कहते हैं कि भाई हमारे गाँव जो है बाजौड़ ये कितनी देर में पहुँच जाएगी। वो मैंने कहा डिस्टेंस कितना है सर, तो मतलब लोग रोक प्राइस कितनी है, कितनी टॉप स्पीड है, तो लोग इसको उस तरह हैवी बाइक में ले रहे होते हैं। नो डाउट इसका टॉर्क, इसकी स्पीड, इसका जो पुल है वो बहुत इंप्रेसिव है, स्पेशली मैं 150 cc की बाइक से 250 cc की बाइक पे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरा ख्याल था कि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 150 या तो 250 खास फ़र्क नहीं होगा, लेकिन इसका पुल में बहुत फ़र्क है यार, बहुत फ़र्क है। तो वो जो एक चीज़ है ना कि यार आपको कॉन्फिडेंस देती है रोड के ऊपर, ब्रेक्स इसकी इतनी अच्छी हैं, ABS ब्रेक्स हैं, तो उसकी वजह से जो स्लिपिंग में आपको बहुत इम्पैक्ट करती हैं यार। मतलब बहुत दफ़ा मुख्तलिफ जगहों पर हुआ है कि मुझे इसकी ABS से मैं बचा हूँ, मतलब मुझे हुआ कि हाँ अगर ये भी हाँ ABS ना उतना ही गई थी, तो ये एडवांटेज तो है मशीन का, तो मतलब वेरी इंप्रेसिव बाइक। अगर आप लोग भी परचेज़ करना चाहते हैं ना, तो मतलब मैं तो आपको, क्योंकि YouTube पे ना यार आप बनेली 251 की वीडियोस देखो, मुश्किल से 15-20-30 वीडियो से ज़्यादा वीडियोज़ ही नहीं है, मैंने वही सारी वीडियोज़ 100 दफ़ा देख चुका हूँ मैं। तो बात यह कि इसलिए मैंने अब इसका ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट बनाना है, ताकि दुनिया भर में मैं इस पर इवन कोशिश करूँगा मैं सब टाइटल्स भी लगाऊँ, ताकि दुनिया भर के लोग देखें यार इसका कंटेंट बड़ा कम है, इंडिया में बाहर की कंट्री से बड़ा कम कंटेंट है। तो इंशाल्लाह हम इसकी मॉडिफिकेशंस का भी मैं कंटेंट लेके आऊँगा, और हम यूट्यूब के सर्च भर देंगे हम इसके TRK 251 से इंशाल्लाह। ठीक है जी, मेकिंग पाकिस्तान प्राउड और पाकिस्तानी कॉन्टेंट वुड बी एट दी टॉप ऑफ दी सर्च इंशाल्लाह, TRK 251 जब आप सर्च करेंगे इंशाल्लाह। मॉडिफिकेशन स्टार्ट होंगी, उसके बाद फिर हमारा लॉन्गेस्ट टूर ऑफ माई लाइफ स्टार्ट हो रहा है, तो दिस ईयर विल बी अमेजिंग यार। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाईजान कर दें और एक जप्पा भी डाल दें अपने भाई को, खुशी हो रही है, भाई को मुबारकबाद भी दे दें, और वेलकम हिबा टू आवर फैमिली, अ गिफ्ट ऑफ गॉड, अ मेल अरेबियन हॉर्स। सो दैट वाज इट, सी यू गाइस यार इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा ईयर ही अल्लाह पाक ने स्टार्ट किया, उमरा हमने किया, उसके बाद अब इंशाल्लाह बाइक की मॉडिफिकेशन और फिर हमने पूरा पाकिस्तान घूमना है। सो आई एम सो एक्साइटेड, इतना एक्साइटेड कि अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। इस साल हमने बड़े मज़े मज़े के टूर करने हैं, मेरे साथ रहना, आप लोगों को भी पिछली सीटों में बिठा के साथ लेके जाऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़ यार, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।